तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता था जो कि Realme 3i का मैंने यहाँ पर स्क्रीन गार्ड मंगवाया था जो कि Flipkart Smatybuy की तरफ से। तो गाइस बहुत यहाँ पर मजेदार था, यहाँ पर इसका अनबॉक्सिंग था। ये तो पैकेजिंग है यहाँ पर स्क्रीन गार्ड का पैकेजिंग, लेकिन इसके जो ऊपर पैकेजिंग था जो कि Flipkart के ऊपर जो पैकेजिंग था, जो डिलीवरी पैकेजिंग था, उसको मैंने अनबॉक्सिंग क्यों किया था और बहुत यहाँ पर मजेदार, बहुत यहाँ पर रोस्ट ऊपर निकाला था। तो गाइस वो अनबॉक्सिंग वीडियो आपको जरूर से जरूर देखना चाहिए, बहुत यहाँ पर मजेदार वीडियो था और बहुत ही आपके लिए यहाँ पर नॉलेजेबल वीडियो था। अभी तो आई बटन में आपको मिल जाएगा या फिर आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, जरूर से जरूर वो वीडियो देखना और गाइस जम के लाइक करना, क्योंकि उस वीडियो में आप सभी का यहाँ पर बहुत ही प्यार मिला है। जो लोग नहीं देखे वो वीडियो को जरूर से जरूर देखना। तो गाइस ये तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Realme 3i। तो गाइस ये है Realme 3i। तो इसको हम यहाँ पर जो ये स्टॉक वाला यहाँ पर है आप देख सकते हो, ये स्टॉक वाला जो नॉर्मल आता है ना, जो बहुत यहाँ पर सस्ता वाला आता है, तो वहाँ पर ये स्क्रीन गार्ड लगा है। तो ये स्क्रीन गार्ड आप यहाँ पर भी देख सकते हो, क्रैक है छोटा सा। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे और पूरी तरह से क्लीन करके बाद आपको ही दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या है और इसको कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। जो लोग इंटरेस्टेड है वही देखे, बाकी अगर आपको इंटरेस्टेड नहीं है तो आप स्किप करके आगे भी स्टेप जा सकते हो, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर Flipkart Smatybuy, इसको मैंने ओपन नहीं किया, आपके सामने ओपन करूंगा। जो बंदे यहाँ पर इंटरेस्टेड है कि एक्चुअल में इसके अंदर क्या मिलता है और स्टेप वन स्टेप टू क्या कुछ है इसके अंदर और क्या कुछ आपको यहाँ पर एक्सेसरीज टाइप का यहाँ पर क्लीनिंग के लिए कुछ भी मिलता है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो सब कुछ ओपन कर लेते हैं। इसका पहले यहाँ पर केस निकाल के इसको क्लियरली इसको धीरे से निकालना है, क्योंकि हम लोग को कोई स्क्रैच वगैरह ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग गीकी लोग हैं ना, कुछ स्क्रैच वगैरह गैजेट्स हो तो बहुत ही दुखता है। देखो कितना थिन है, थोड़ा सा निकालते ही ये निकल गया, पहले से थोड़ा क्रैक था शायद, टूट गया। हाँ ये टूटने में तो बहुत ही मजा आता है। हाँ देख भाई यही तो चाहिए था, टूटना चाहिए था, ठीक है। तो ये गाइस टूट गया पूरी तरह से, नहीं थोड़ा हाफ है, ठीक है। इसको हम साइड में रख दिया। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो जो कि कितना यहाँ पर डस्ट साइड में लगा हुआ है, लाइन बन गया, जो कि जहाँ पर नहीं था वहाँ पर लाइन बन चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लाइन बन चुका है, तो इसको आप क्लियरली क्लीन कर सकते हो। क्लीन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लीनिंग के लिए सब कुछ मिलता है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये मैंने सील को ओपन किया। तो ये वाला सील जो है ना पहले से नहीं होता था, लेकिन अभी जो Flipkart Smatybuy भेज रहे हैं यहाँ पर सील भी करके भेज रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत यहाँ पर ठीक ठाक लग रहा है, जेन्युइन भी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ गाइड वगैरह लिखा है जो कि इंस्टॉलेशन गाइड। तो इंस्टॉलेशन गाइड मैं आपको यहाँ पर तो बताऊंगा, तो ये कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि आप देख सकते हो वाइप वन वेट वाइप टू ड्राई, ठीक है। तो इसको हम टीयर करने के बाद यहाँ पर जो वाइप निकलेगा उसको यहाँ पर वाइप करेंगे, जो कि यहाँ पर वेट वाइप होगा, जो कि जो आप लिक्विड डालते हो ना, लिक्विड डाल के इसको क्लीन करते हो, तो आपको लिक्विड डालने की कोई जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर वाइप करो, उसके बाद ड्राई को वाइप करो, ठीक है, उसके बाद टोटल क्लीन हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगा, ये आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है कि डस्ट अब्जॉर्बर, ठीक है। तो ये डस्ट अब्जॉर्बर मैं आपको बोलना चाहूँगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा डस्ट रह चुका है जो पुराने वाले फ़ोन में के लिए है। देखो यहाँ पर कितना ज़्यादा डस्ट, जो कि यहाँ पर लाइन ही बन चुका है, ठीक है, देखो लाइन ही बन चुका है साइड में। तो ये डस्ट लाइन को हटाने के लिए ये दिया गया है, ये बेसिकली इतना भी काम का नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है। अगर आप चाहते हो तो इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो, जो कि नॉर्मल एक स्टीकर की तरह है, ठीक है। देखो ये नॉर्मल एक स्टीकर की तरह है, तो ये ग्लू वाला स्टिकर को आप यहाँ पर लगा सकते हो साइड में और ऐसे ऐसे करके क्लीन भी कर सकते हो, ठीक है। देखो ये जो दाग है हट जा रहा है, तो ये बेसिकली ये सब काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको नॉर्मल जो लिक्विड आता है उससे भी क्लीन करना है, तो उससे क्लीन भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो भी क्लीन कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन गार्ड पहले दिखा देता हूँ, और आपको क्लीनिंग क्लॉथ भी मिलता है, ठीक है। तो यही सब बेसिकली आपको मिलता है, और इसको साइड में रखते हैं, और कुछ भी नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो ये रहा जो मेन आपको दिखा रहा था जो स्क्रीन गार्ड। तो यहाँ पर 9H फुल ग्लू स्क्रीन गार्ड लिखा गया, और यहाँ पर ये फॉर Vivo Y91, Y93, Y95, Realme 3 और 3i, ठीक है। इन यहाँ पर डिवाइसेस के लिए ये बहुत यहाँ पर कंफर्टेबल रहेगा और क्लियर, बहुत यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर कटिंग फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है। मैं भी आपको बहुत दिन से यूज कर रहा, मेरे पास और भी यहाँ पर Realme 3i और एक है। तो इसको हम अप्लाई करेंगे, उससे पहले ये जो प्रोसीजर है इसको, तो पहले हम यहाँ पर Y1 को यूज करेंगे, तो Y1 का निकालते हैं यहाँ से, ये रहा Y1 और वेट है, और यहाँ पर कोई आपको लिक्विड डालने नहीं है, यहाँ पर आप देखते हो यहाँ पर वेट भी दिखा रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये वेट को आप बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे सर्कुलर करके साइड में कर्नर में रहता है, इसको हमने वाइप कर लिया, यहाँ पर वेट भी देखो, और इसके बाद हम इसको यूज करते हैं नंबर 2 को, तो यहाँ पर ड्राई वाला है, ड्राई वाला देखते हो, तो ड्राई वाला इसको फिर से उसी तरह से यहाँ पर सप्लाई मौसम करेंगे। तो वैसे ड्राई क्लॉथ मारने के बाद आप क्लियरली देख सकते हो कि पूरी तरह से यहाँ पर क्लीन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देख लो पूरी तरह से क्लीन, सभी साइड से एकदम क्लीन हो चुका है। तो इसको हम अप्लाई करेंगे, इसको साइड में रखते हैं, तो ये भी क्लीनिंग क्लॉथ था, क्लॉथ को आप अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर। तो इसके बाद हम ये वाला यूज़ करेंगे, बहुत यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो, इसका एजेस भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ है।
करना गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को बेल आइकन को ऑल क्लिक कर देना ताकि मेरे आने वाले से वीडियोस आपके पास पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।